रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंदपुर में किराए के मकान में रहने वाले प्रवेश मिश्रा उर्फ सागर ने आत्महत्या का असफल प्रयास किया। युवक ने पिस्टल से खुद ही अपने कनपट्टी पर बंदूक सटाकर गोली मार ली। घटना के बाद क्षेत्र में सन्नाटा खिंच गया। आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां से संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि वह किराए के मकान में रह रहा था। फिलहाल किन कारणों के चलते आत्मघाती कदम उठाया इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे मामले को लेकर परिजन भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मामले को लेकर एसपी ने कहा कि युवक ने खुद ही गोली मारी है। किन कारणों से उसने आत्मघाती कदम उठाया इस बात का खुलासा युवक के बयान के बाद ही हो पाएगा। एरिया में एक ये जानकारी आई कि एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली है और जिसको यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। व्यक्ति का नाम प्रवेश मिश्रा उर्फ सागर मिश्रा, पिता राकेश मिश्रा है, जो मूलतः नारीवाड़ी प्रयागराज का रहने वाला है और अभी इलाजरत है। उसने खुद इस तरह से घटना क्यों की उसकी जाँच की जा रही है। परिजनों के कथन लिए जा रहे हैं और बाकी जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई आकलन करना उचित नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सनल कारण है जिसकी वजह से इस प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सारी चीज़ों के कथन और बाकी जो साक्ष्य होंगे उस आधार पर ही आगे की जाँच की जाएगी। जो अभी हमको जानकारी मिल रही है कि वो खतरे से बाहर है और उसका